सुनील भाई, कैसी चल रही है? यार ये ईद की छुट्टियों में आई थी और अभी तक मेरा ख्याल है 100 किलोमीटर चलाई है। कहाँ चलनी थी ईद पे, ईद के बाद ही अब इसको चलाएंगे और इसका रिव्यू शुरू करेंगे। लेकिन अभी तो मुझे वो ईद की छुट्टियों में नींद नहीं आती गाड़ियों के बारे में सोच सोच के कि फलानी फलानी वर्कशॉप है, फलानी फलानी वर्कशॉप है, तो चल के गाड़ियों के जरा अपडेट ले लें। इस दफ़ा हमने वो रमज़ान रेस्टोरेशन भी नहीं ना वो शुरू, इस दफ़ा रमज़ान रेस्टोरेशन इसलिए शुरू नहीं की कि जितनी गाड़ियाँ वर्कशॉप के अंदर है ना उनकी रिस्टोरेशन पूरी नहीं होनी थी। और मज़े की बात यह कि 210 लास्ट आपने इसी पिछले रमजान में चढ़ाई थी, वो भी तक नहीं हुई। हाँ। तो वो भी आज चल के देखते हैं, एक साल हो गया। हाँ। तो अलीनिया ने वो चैलेंज इजीली ले लिया है और बाकी जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे उधर लंबे थे। हाँ। हमर सुपर चार्ज का काम हो रहा है, ये वो तो चलते हैं ना वर्कशॉपों पर, चल के देखते हैं कि कहाँ तक पहुँची हमारी गाड़ी। हाँ, मतलब कि हमने कहा कि ईद खत्म हो गई है तो उसके बाद भी ये जो रेस्टोरेशन वाला चले, आफ्टर ईद रेस्टोरेशन चले जी, चले आओ जी। तो फिर सर कौन सी रेवो में? बेटा रेवो रूवो के चक्कर में भूल जाए, ये सारी जो है ना ये पैक करने वाली रह गई, इधर आए पीछे आए, ये पीछे आए, ये देखे, ये देखे। अच्छा खूबसूरत गाड़ी पेट्रोल बचाने के लिए, ऊपर से गर्मी में खड़ी हुई है धूप में। बेटे यहाँ तो जेब जा सकती है या स्किन जा सकती है, कोई एक चीज हो सकती है। जो हालात है ना पेट्रोल के, अभी आज रुपए महंगा हुआ है, 9 गया 4 रुपए पहले महंगा हुआ था। और जिस सीट पे मैंने बैठना उस पे आपने फोम भी रखा हुआ है, इस फोम की भी बड़ी दास्तान है। बड़े लोगों ने जाली फोमों की सेलें लगाई है, मैं तो मशहूर हो गया, मैंने देखा है। मैं कल रात को स्नैपचैट पे क्यों वहाँ था जी खरीदे, जब मैंने खरीदा तो पार्कविल था ही नहीं। अभी जाली पेजेस पे लोगों ने लगा दिए, तो जिसने भी लेने, मैं पहले बता दूं अगर पार्कविल से ऑर्डर करेंगे तो प्रोडक्ट की जिम्मेदारी हमारी, वरना हमारी नहीं है। अच्छा बिल्कुल सही, ओए होए होए, बाली में अंदर आया ना, जरा लग पता जाएगा। सर आप आगे तो निकाल रहे, इतनी जगह पे हाथ नहीं रखा जा रहा स्टेयरिंग पे, हाथ कैसे लगाऊं सर, इतनी जगह पे बैठ नहीं ना सकता मैं। एटलीस्ट आगे तो निकाल ले यार, गर्म है स्टेयरिंग सर। वो तो जहरी बात हो गई, उस से धूप में खड़ी है कब, ओए होए होए, ऐसे लग रहा है गाड़ी की हर चीज में से धूप निकल रही है, सवाए गाड़ी के इंजन की लाइट अभी नीली है। ओए होए होए, ओए ये तो ऐसे है सीट बेल्ट के मारेगी। सबसे बड़ा मसला होता है शलवार कमीज में सीट बेल्ट लगाने का, खराब हो जाती है। ऐसे ही है, लेकिन कोई नहीं, लगानी पड़ेगी। आगे हटो ना यार, नीचे आ जाओगे। सर अभी भी सोच लें, हम बदल सकते हैं। नहीं बेटा, आज भी एसी चलाया, चल जाएगा 15-20 मिनट तक। सर इसका एसी भी जो है ना वो, इसके एसी को मसला नहीं, धूप में जब गाड़ी खड़ी होती है ना और शीशे भी बंद होते हैं, ऐसे बन जाता है, एक बम नहीं बन जाता। दूसरा अभी हम ये साय में आके खड़े हो गए ना, आधी गाड़ियां साय में है जिनके पे कपड़ा है, जो धूप में खड़ी है ना, हाँ उनका तो कोई मतलब नहीं है ना। धूप में गर्मी आ गई, देखो लोगों ने जहां जहां आपको साया नजर आएगा ना, वैसे हमने दरा कोई नहीं लगाना, लेकिन साया ढूंढ रहे हैं। अभी इसका एसी भी मजे की बात है, यहाँ से दफ्तर जाते जाते तो एसी ने पूरा पूरा काम भी नहीं शुरू करना। ऐसे ही है, तो कोई सोल्यूशन बता दे जिंदगी में, इतने मसलों के हाल बताएं, तू भी कुछ कर दे वाली कभी जिंदगी में खुशी दे दे। इमरान भाई वाले सोल्यूशन ही बताऊंगा, बाकी एक सोल्यूशन इमरान भाई वाला सोल्यूशन होगा कि सुनील भाई अगर आप अमेरिका शिफ्ट हो जाए ना तो फिर आपकी गाड़ी गर्म नहीं होगी, और साथ उनको भी ले दे तो जाके दोनों रीमैक खरीदे और पता नहीं क्या क्या खरीदे। बिल्कुल ऐसे ही है, इसके पास एक सोल्यूशन है बताइए, टेंट नहीं है। टेंट तो बेटा इस गाड़ी पे करोगे ना तो पुलिस वालों ने अगले चौक पे रोके चित्र मारने हैं। सर वो तो बड़ी गाड़ी को भी रोकते हैं, छोटी को तो वैसे भी सदका जारी समझ के रोकना। मेरे ख्याल से तो इस छोटी गाड़ी में अगर किसी ने टेंट कराया हो ना तो वो पार्किंग लॉट में आपका वेट करेंगे कि ये बंदा वापस आया जरा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि टेंट ना हो, लीगल काम हो तो फिर उससे कैसे होगा। वो मैंने पर्दे पुर्दे नहीं लगाने, मुझे बहुत ही बुरे लगते, मेरा दिल करता है कि मैं एक मुहिम चलाऊं कि जो पर्दे ना उनको पकड़ के जला दूं, बिकॉज वो जब लगाए थे ना जितने पर्दे उसको ना तो कुछ खुद भी नजर नहीं आ रहा था, ट्रैफिक को तबाह कर रहे होते पर्दे नहीं लगाने में। तो सर वो तो ऐसे टेंट में भी नजर नहीं आता, पहले इस तरह के दोनों जो है ना पुराने वाले सोल्यूशन नहीं है, मॉडर्न सोल्यूशन है मेरे पास। तो इमरान भाई के साथ अदर है ना? हाँ मैं बता रहा हूँ, तुमने कहना गाड़ी घर से ना निकाल ले। नहीं 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 ऐसा भी नहीं है सर, जाहिर बात है बाहर काम करने के लिए निकलना होता है, इसका सर मॉडर्न एक सोल्यूशन है। बेटा जल्दी निकाल ले, इस तरफ दफ्तर है और 2 मिनट में पहुंच जाने और इसी काम निकाल। सर दफ्तर से बिल्कुल पास ही, आपने दफ्तर के लिए राइट होना है, इस सोल्यूशन के आपने लेफ्ट हो जाना है। दो रहे हैं, कहाँ जाना है, दो रहे तो बढ़िया, जाना कहाँ, लेफ्ट हो जाए ना, लेफ्ट हो जाए, लेफ्ट हो जाए, लेफ्ट हो जाए तो साथ ही मैं बताता हूँ जरा दफ्तर। तो जादू करने लगा है, देखो गाड़ियों की मार्केट भी कोई नहीं है, क्या हो गया पागल? यही तो मसला है, मतलब कि कोई आपको ना मॉन्टगोमरी लेके जा रहा हूँ, ना मैक्लोड रोड लेके जा रहा हूँ, ना कहीं DHA की वो जो टेंट मार्केट है वहाँ पे लेके जा रहा हूँ, कहीं नहीं लेके जा रहा। करना क्या है भाई सोल्यूशन? सर सोल्यूशन ये है कि हुंडई वालों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कम्प्लीटली लीगल है, ये जिस तरह आपको अभी क्लियर विंडो नज़र आ रही है ना इसी तरह की होगी, बट उसमें हीट पास नहीं करेगी। अब मैं जाऊँ इसको बेचूँ हुंडई की, ये गाड़ी खरीदूँ? नहीं, वो हर एक गाड़ी के लिए,
और इतनी छोटी गाड़ी के लिए भी है, कंफ्यूजन दूर कर ले। या तो ईद में बहुत ज्यादा खाए छुट्टियों में, हुंडई के शोरूम पे जाऊं, वहां जाके या तो हुंडई की प्रोडक्ट खरीद सकता हूं या हुंडई की गाड़ी खरीद सकता हूं। तो हम कह रहे जी वहां जाऊं और उस पे जाके विंडो की फिल्म लगवाऊं। जी हुंडई ने विंडो फिल्म लॉन्च कर। हां जी, नया कारोबार है। नया कारोबार है बिल्कुल। है सर, देखिए फिल्म है जी वो? सर वो है आपकी एक बिल्कुल क्लियर फिल्म है, ठीक है, उसी प्रॉपर थिकनेस है, ठीक है, और वो जो हीट बाहर से आने वाली है उसको भी रोकेगी, प्लस जो अंदर की हीट है उसको भी वो बाहर निकालेगी। अब ये इसमें कोई साइंस है ये उधर जाके समझ सकते हैं। बाली में देख, जो मैंने जिंदगी में रिसर्च की ना थोड़ी बड़ी गाड़ियों के बारे में और उनके बारे में, शीशों के बारे में, देखो यूवी रिफ्लेक्टेंट शीट आती है, बिल्कुल आती है, वो शीट आती है जो आपके बाहर से रेज को जो है कम कर देती है। तीसरी उसका फायदा ये होता है कि टेम्परेचर ऑब्वियसली बाहर से कम हो जाता है जब वो यूवी को रिफ्लेक्ट करती है। एसी की कूलिंग बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हमारी एसी तो अभी तक चल नहीं रहा, तो वो बेहतर हो जाएगी। और पांचवा तरीका ये हो सकता है कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी बेहतर हो जाए, ऑब्वियसली जब आपकी गाड़ी का एसी जल्दी इफेक्टिवली काम करेगा। तो ये पांच फायदे हैं। ये छठा फायदा तूने बताया ना, अगर ये फायदा हो गया ना तो मैं कहता हूँ जो तू कहेगा वो तेरा। नैंडोस यार, नैंडोस छठा फायदा नहीं हो सकता दुनिया में, थोड़ी मेरी भी रिसर्च है भाई। गर्म गाड़ी को ठंडा सवाए एसी के खड़ी में कोई शीट नहीं कर सकती, ठीक है, तो ये तो आज हो गई शर्त सर, हो जाएगा। और ये हो जाएगा। जितने नैंडोस हैं डबल हो जाएंगे, जितने तो मेरे से जीते हुए वो सारे खिलाने पड़ेंगे। मैं जीते ही नहीं आज तक, यही तो मसला है। ये पहली दफा मुझे मौका मिला, शायद जीते नहीं जीतेगा, जीतेंगे तो वैसे ये देखें चार पे ये नहीं बल्कि तीन पे हमने एसी चलाया हुआ है। चार पे करो तो हवा ज्यादा थी, ठंड कम होती है, लेकिन अब ना ठंड हो रही है ना हवा आ रही है, लेकिन अब इतना हो गया कि स्टीयरिंग पे हाथ रख सकते हैं। अच्छा, ये धूप से स्टीयरिंग देखा क्या, वो ये गाड़ी जीरो मीटर मैंने ली थी। हाँ, ये सब उड़ गया, 64,000 हो गया मेरे हाथों में, देख ले कोई नॉनो चूड़िया भी नहीं है और कोई वो भी नहीं है। हमने यहाँ से लेफ्ट हो ब्रो, डायरेक्शन मैं बताऊंगा ना आपको, डायरेक्शन मैं बताता हूं। ब्लैक आउट पीछे से आ रही है गाड़ी, मैंने भी आजकल ज्यादा ब्लैक आउट की है, तो ब्लैक आउट गाड़ियां गर्मी में तो उड़ा देगी है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा वैसे गर्मियों का सीजन आ गया, और गर्मियों के सीजन में ना ट्रैफिक पुलिस का सबसे ज्यादा जोर होता है काले शीशों के खिलाफ। ऐसे ही है, ऐसे ही भाई, आपकी गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर होना चाहिए था, और आपकी अपनी गाड़ी की ड्राइविंग हैबिट जानने वाली होनी चाहिए। खैर, तो ये है कि अब आजकल तो सबसे ज्यादा मुहिम काले शीशों के खिलाफ शुरू होगी, तो फिर ये प्रोडक्ट अगर कामयाब रहती है और सही रखती है, तो फिर उन लोगों को जिन्होंने गाड़ी में शीशे काले लगाए हुए हैं सिर्फ इसलिए कि उनको जो है ये हीट से रिलेटेड इशू आए या उनको स्किन का कोई डिजीज है, तो उनका तो इलाज हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। जिनको और किसी चीज के लिए लगाए उनका इलाज है मेरे पास। हाँ, उनका नहीं है सर, उसमें तुम भी शामिल हो ना। नहीं सर, मैं क्या, मैं पूरा दिन आपके साथ फिर रहा होता हूँ, इसीलिए तुम नजर नहीं आते ना रात को जब तुम फिर होते हो। ये तुम्हारे जैसे जो गैर शादीशुदा लड़के हैं ना, उनके करतूत और शीशे दोनों काले होते हैं। नहीं सर, रात को आप मुझे डिस्टर्ब करते हैं। चलो भाई, ये भी चैलेंज है, अगर तुम्हारी गाड़ी मैंने दिखा दी और उसमें शीशे काले हुए तो उसमें नहीं है। नहीं है, नहीं है। चलो ये भी नहीं है, सर्च करूंगा किस दिन तुम्हारी गाड़ी में। सर आप कर ले, मैं फैन शॉप, मैं सर अपने फैन भेजना शुरू कर दिया सर। हो सकता, थोड़े खरीद लेते, हो सकता है थोड़े खरीद ले। मैं शर्त लगा के तो सर पर्दे मैंने जरूर लगाए हुए, ये ठीक है आया पर्दे सर, जहरी बात है इतनी धूप होती है, और पर्दे जो सबसे जो होते हैं ना इनएक्सपेंसिव सॉर्ट ऑफ जो होते हैं। कितने तुम तेज हो। हाँ जी, इतने तुम तेज हो भाली के मैं कहता हूँ कमाल है। अपनी गड्डी जेनी लाया मैनू लेके जा रहे हैं सर, वो अभी जरा मैंने कहा ना आप पे जरा ट्राई करें, मैं बनता और आप पे ट्राई करें, ट्राई सही हुई तो पैसे मैं दूंगा, अगर ये ट्राई खराब हुई तो इसके पैसे भी तुम दोगे और खाने के भी तुम दान ना सर। अगर तुम शर्त हार गए तो समझो नसीब भी हार गए, बिल्कुल तुम शर्त जीत गए। बट ये एक तरह से आइडियल गाड़ी है, क्योंकि 660 सीसी एक बिल्कुल इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ी है, अगर इसमें कामयाब होगी ना इकोनॉमी सेक्टर वाले लोगों की और फ्यूल सेविंग हो जाएगी। इकोनॉमी का नाम तीन दफा लेके मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है? नहीं, आपको शहर में हर जगह जाना ये गाड़ी बेहतरीन है सर। उससे भी बेहतरीन सोल्यूशन आपको बताऊं, मोटरसाइकिल 70 सीसी अभी भी 100 रुपए के पेट्रोल में पता नहीं कहाँ का चली जाती है। उससे भी सोल्यूशन मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ले लो। हाँ ये भी, बट उसमें रेंज एग्जैक्टली वो मेरे लिए बहुत ज्यादा खौरी है। एक गाड़ी उस लिहाज से ये देखो, ये पता कितनी एवरेज देती है, कितनी 700 ऑल्टो का रिव्यू कर लेते हैं। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि सुनील साहब क्यों चलाते हैं कि 7,000 में, सो मैंने 64,000 किलोमीटर चलाई है। अभी कैलकुलेशन आपको बैक ऑफ द एनवेलप करके दूं, 64,000 किलोमीटर ये गाड़ी करती है 20 की एवरेज। सही है, 60,000 को 20 से डिवाइड करो तो कितने लीटर डाला, 3,000 लीटर। सही है, 3,000 लीटर कितने का बनता है, 90,000 रुपए। अगर यही मैंने किसी और गाड़ी पे डाला होता तो इससे डबल होता है, यानी कि अगर 10 की एवरेज गाड़ी दे रही थी तो 90,000 के बजाय 1,00,000। ये 90,000 के नहीं, 9,00,000 का होगा भली, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा तुम्हारी मैथ्स भी। मेरी मैथ्स नहीं अच्छी,
तुम्हारी कैलकुलस खराब है तभी तुम इंजीनियर हो सर, ये तो कैलकुलस तो छोड़िए, पार्किंग टेस्ट यहाँ पे देखें सारी बड़ी बड़ी सर, पार्किंग टेस्ट उन्होंने कहना है रजिया गुंडों में फंस गई, गाड़ी खड़ी करते हैं और अंदर चल के पूछते हैं। फिक्र ना करें, मैं करवा के जाऊँगा। अस्सलाम सर, ताकि तो ठंडे ठंडे ए सी वाले उसमें आ गए, इसी तरह से गाड़ी का भी होना है ठीक है। बल्कि इन्हीं भाई से पूछ लेते हैं सर क्या हाल चाल है, वो हम सवाल पूछ लें कर देते हैं सर, वो ही करने लगे। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पे वो जो फिल्म है जो हुंडई की कूलिंग फिल्म है ठीक है, वो सुजुकी पे हो जाएगी पक्का? आओ चलिए फिर, किधर लेके जाने का? नीचे नीचे गाड़ी चल आओ जी, मेरा अम्मी आप गाड़ी ले आना नीचे, मैं नीचे ले जाता हूँ सर। मेरे ख्याल से वो भी गाड़ी भी खुद नीचे पहुंच जाएगी, ये तो सारा कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। हाँ जी हाँ जी, तो हम अपनी सुजुकी लेके हुंडई की डीलरशिप पे आ चुके हैं। लोग ही परेशान थे कि कितने पागल ने, इस पर्दे के पीछे वो चमत्कार होना है जो कि बाली हमारी गाड़ी पे करवाने जा रहा है, तो चल के देखते हैं। सो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली, आके इनसे पूछ ली, जो हुंडई की नैनो फिल्म है जी, इस जो शीट है उसकी चार प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो आपकी हीट को ये रिड्यूस करेगी, यूवी रिफ्लेक्टेंट रेज जो है यूवी को रिफ्लेक्ट करेगी। तीसरा आपके इंटीरियर के जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं जो धूप से ख़राब हो जाते हैं उनको बचाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इनकी हुंडई नैनो टेक्नोलॉजी है शीट के अंदर, गाड़ी के अंदर जो हीट ट्रैप हुई होती है उसको भी ये कम करेगी। सो कोशिश कर रहे हैं कि इसको अप्लाई करें, बल्कि उनके उन्होंने दिखाया कि हुंडई के एक्सपर्ट्स आए हुए हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं। और बड़े मज़े की बात उन्होंने बताया कि डोर कार्ड जो है इनको भी खोल के फिर जो है ना पेपर लगेगा ताकि उसकी एप्लीकेशन पूरी हो, वरना होता है कि जब आप लगाते हैं थोड़ी देर से बाद वो चुड़मुड़ होकर ऊपर आता है। तो अभी तो परफेक्शन की तरफ जा रहा है और मेरा ख्याल है इस पर 1.5-2 घंटे लगेंगे। क्यों वाली में कितना टाइम लगेगा? हाँ जी सर, इसमें 2-3 घंटे लगने हैं, क्योंकि एक तो ये कि थोड़ी सी फिल्म भी हार्ड लग रही है, मतलब उस तरह से बिल्कुल मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे कोई चीज़ आज नहीं होती, तुमने आज कर रखा है। बिल्कुल ऐसे ही, और ये आपके फ्रंट विंडस्क्रीन पे और साइड वाले मिरर्स पे जो है ना वो हो रहा है ये। अच्छा मजे की बात है कि चार फायदे तुमने बताए, पांचवा फायदा मैं बताता हूँ। क्या सर? पेट्रोल भी कम लगेगा। हाँ पेट्रोल भी कम, जब गाड़ी के एसी की इफेक्टिवनेस बेहतर हो जाएगी तो फिर आपका पेट्रोल कम लगेगा। सो ये मैंने आपको बता दिया, अगर आपने भी लगानी है शीट तो इसके 4-5 फायदे बता दूँ आपको। अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाएगी, हीट से बचाएगी, आपकी गाड़ी के इंटीरियर को डिके से बचाएगी, आपकी अपनी स्किन को बचाएगी, और सबसे ज़्यादा आपकी जेब को बचाएगी, क्योंकि आपके जो है ना वो पैसे खर्च नहीं होंगे। इसके अलावा आमतौर पे आप जो फिल्में वगैरह लगाते हैं उससे होता ही है कि जब आप टेंट करते हैं उससे भी ये मकसद लोग ज़्यादातर पूरा कर रहे होते हैं, बट होता ही है कि उसमें आपका चलान होता है, इलीगल होता है। तो इसमें दिस इज़ नथिंग इलीगल बिकॉज इट्स अ क्लियर फिल्म, आपको किसी को पता भी लगेगा कि आपकी गाड़ी पे फिल्म लगी है, लेकिन आपको ये तमाम 4 के 4 फायदे हासिल हो जाएंगे। सो अभी 2 घंटे की जो एक्सरसाइज है, 2 घंटे के बाद आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ, कैसी रही, प्रोसेस भी दिखा देंगे डोर कार्ड खुलने का, ताकि आपको पता लगता रहे कि क्या क्या हो रहा है। जी अच्छा भाई, हाँ यार बिल्कुल ही क्लियर है, गाड़ी हो गई है। अच्छा एक हल्का सा बस ब्लू टेंट है, पता है हमें तो लग रहा है, वरना नहीं, अगर आम बंदा देखे तो कोई इसमें नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। और अभी धूप में खड़ी हुई गाड़ी, देखते हैं अंदर बैठ के कितना कोई इफेक्ट आता है। उन्होंने भी सही टेस्टिंग के लिए ला के धूप में खड़ी कर दी है। आपस की बात है, जब बंदा वरना धूप में गाड़ी में बैठे ना एक शेक निकलता था, वो नहीं है, बाकी फ़र्क है। और ये कंपनी का क्लेम है 10-15 डिग्री का, अब वो तो मेरे पास कोई मीटर नहीं चेक करने का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फर्क है, वरना इस तरह धूप में गाड़ी जितना खड़ी है कि तुम दिखाओ पर घुमाओ जरा सूरज की तरफ, सूरज दिखा, ये देख सूरज में खड़ी गाड़ी, और बाहर से भी दिखाओ जहाँ खड़ी है वहाँ पे ऐसी जगह पे खड़ी हुई गाड़ी जो है ना वो हाथ नहीं लगाने देती किसी प्लास्टिक को, लगाओ जरा। मैं उस दूसरी साइड से आता हूँ, नहीं वाकई बहुत ज़्यादा फर्क है, ये बहुत ज़्यादा फर्क है, कोई चीज़ गर्म नहीं है, वरना गाड़ी के प्लास्टिक पार्ट ऐसे गर्म हो रहे हैं कि दिल होता है कि क्रैक ना करे। बल्कि एक सेकंड में एक और चीज़ भी दिखाना चाहूँगा कि इसकी ऑल्टो के ये सीट के ऊपर जो है ना ये फोम वाला वो गद्दी है ठीक है, और ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये बिल्कुल भी उस तरह का फर्क नहीं पड़ा इसको। नहीं मैं वैसे तारू, वरना चीज़ें हाथ नहीं लगाने देती, देखें हाथ इधर, ये सबसे ज़्यादा ना जो होती है ना ये लोहा, ये देखो अच्छा खासा फर्क है। मैं कह रहा हूँ कंपनी का क्लेम है
10 से 15 डिग्री का, मैं वो क्लेम उस तरह तो सब्सटेंशिएट नहीं करता बिकॉज को मेरे पास मीटर नहीं है, लेकिन ये है कि धूप में खड़ी हुई गाड़ी के साथ जो होता है ना, और वो जिस नफासत से लगा हुआ है अभी पेपर जो है, क्योंकि उन्होंने अंदर कंट्रोल उसमें लगाया था, तो वो देखें वो सामने वाली स्क्रीन पे ये भी सफाई हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, बट मेरा ख्याल से ओवरऑल बेहतरीन है। नहीं वाकई मेरे ख्याल से तो चारों फायदे अगर आपने भी लेने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये कि लीगल है, कोई उसमें इलीगैलिटी नहीं है, होता ना आप शीशा काला कराते हैं, अक्सर लोग ये सारा काम जो है काला पेपर भी करता है, ये अच्छा पेपर अगर आप लगाओ वो यूवी रिफ्लेक्टेंट भी होता है, वो हीट भी रिड्यूस करता है, वो आपके एसी कूलिंग भी बेहतर करता है, हैंस आपका पेट्रोल भी बचाता है, बट उसमें सबसे ज़्यादा मसला हमेशा होता है कि हर चौक पे कहीं भी पुलिस वाला आपको रोक के जो है ना आपको चलान कर देता है, इलीगल काम है ये, टोटल लीगल काम है। या आप ये लें, या अगर आपके पास प्राइवेसी ग्लास वाली गाड़ी हो, प्राइवेसी ग्लास वाली गाड़ी नहीं है, तो ये मेरा ख्याल एक बेहतरीन सोल्यूशन है। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो गर्मियों के अंदर ठंडी रहे, उसमें यूवी रेज ना आए, येट आपका फ्यूल भी बचे और आपका चलान भी ना हो, तो ये जो नैनो कूलिंग हीट है बाय हुंडई मेरे ख्याल से बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये हुंडई की सारी डीलरशिप है, ऐसा ऐसा मेरे ख्याल से शुरू कर देंगे, आप चेक करके हुंडई के नंबर पे या नीचे मैं लिंक भी लगा दूंगा, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पेट्रोल पे भी क्या फर्क पड़ता है, ये लंबे कैलकुलेशन बताएगा इटसेल्फ, कूलिंग का फर्क पड़ेगा और पेट्रोल का फर्क तो ये है कि आप जब थोड़ा सा चलाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई गाड़ी जो है ऑब्वियसली जब आपका एसी कम चलेगा या कम थर्मोस्टेट पे ठंडा कर लेगा तो फ्यूल कम खाएगी, फ्यूल कम खाएगी, आपके कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा। और ऑन दिस नोट में जीत गया हूं, ये आप जीत गए, बिल्कुल जीत गए, बेहतरीन। मैं भी फ्रांस साहब की तरह ना करा दूं, वो आपकी सर मर्जी, पर मैं जीत गया ना, आप जीत गए, आप जीत गए। आपने मतलब मैं बताऊं, हमारे मुल्क में वैसे ही जो काम होते हैं ना ज्यादातर, आज के दिन में कोई काम नहीं होता, सारे काम कल पे होते हैं। आपने जो काम किया सबसे अच्छी बात ये कि मेरे ख्याल हम 2 घंटे के अंदर अंदर वापस आके गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो ये मैं ऐसा काम चाहता हूँ जो उस टाइम हो जाए, ये जो होता है ना ये कल करेंगे कल आ जाना वो नहीं है। अच्छा, इसका एक और भी फायदा होता है मैं आपको बताऊँ, ये सिर्फ यूवी रिफ्लेक्शन वो नहीं सर, ये ग्लेयर की जो है ना रिफ्लेक्शन भी होती है इसमें। रात के टाइम में जो लोग सामने से लाइटें मारते हैं ना, जो हमारा कौमी खेल है लाइटें मारने का, वो जब आप पे गाड़ी चलाना, हाँ वो जब कोई आपके साथ खेलेगा तो आपकी आंखों में चुभेगा नहीं मेरे ख्याल से, जो मेरे ख्याल से एक हिडन वो ही है, उन्होंने नहीं बताया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये भी होगा। सो व्यूअर, ये थी आज की वीडियो, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों का ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।